समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुम् ब्रह्मविध्वरम् मनोजवं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतम शरण प्रपति हरिओम हम लोगों ने यहाँ एक सौ तीन दोहे पे विश्राम लिया था और उससे अब हम आगे चलेंगे एक सौ तीन दोहा मैं एक बार पढ़ देती हूँ प्रगट चार्य पथ धर्म के कल महु एक प्रधान जैन के नीन है दान करे कल्याण सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम ये देखिए दान की महिमा हम लोगों ने देखी थी कि कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है और आप चाहे जिस प्रकार का भी दान दें आप सात्विक दान दें रजसिक दें तमसिक दें किसी भी प्रकार का दान दें या होगा वो आपको कल्याण ही करेगा ये सिर्फ कलयुग की महिमा है आगे चलते हैं जुग धर्म हो ही सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे शुद्ध सत्व समतावे ज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना सत्व बहुत रज कछुरति कर्म सब विद्य सुख त्रेता कर धर्म बहुरज स्वल्प सत्व तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस तामस बहुत रजु, रजु गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहूँ ओरा बुध जुग धर्म जानी मन माही तज धर्म रति धर्म कराही काल धर्म नहीं व्यापहता रघुपति चरण प्रीति अति जाही नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक न व्यापी माया माया कृत दोष गुणा बिनु हरि भजन न जाही भजिय राम तज काम सब अस विचार मनमाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम तो ये अब ये जो चौपाइयां हैं इनमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इनमें जो गुणों का मिश्रण होता है रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का जो मिश्रण है वो कितना कितना या किस किस मात्रा में होता है हुँ? तो वो कहते हैं कि नित युग धर्म हो सब के रे तो सत्युग में क्या होता है कि रोज नित हुँ? और नित युग धर्म युग धर्म कहलाता है वो धर्म जो सबसे प्रडोमिनेंट होता है उस युग में और जो जिस कॉम्बिनेशन में गुणों के कॉम्बिनेशन में धर्म होता है कि कहीं पर भी एक गुण नहीं हो सकता एक गुण अगर होता है तो वो नष्ट हो जाता है तो तीनों गुणों का मिश्रण चलता है पर यहां पर सत्युग में क्या है कि रोज सत्युग के धर्म होते थे हृदय राम माया के प्रेरे और सबके हृदयों में युगों के धर्म रोज होते हैं माया के प्रेरे हुए प्रकृति से आश्रित और शुद्ध सत्व समता विज्ञाना अब सबसे पहले ये सत्युग का धर्म बताते हैं क्या कि शुद्ध सत्व बिल्कुल प्योर सत्व समता इक्वलिटी और विज्ञान विज्ञान में ज्ञान को जब आप अपने आचरण में परिणत करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं तो विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना तो क्या प्रभाव है सत्युग का सत्युग क्या करता है प्रसन्न मन जाना हर वक्त आपके मन में प्रसन्नता व्याप्त रहती है तो आप ये देखिए जब आपके मन में प्रसन्नता रहा करे तो आप समझिए कि आप सत्युग में है क्योंकि सत्युग का प्रभाव है कि मन प्रसन्न रहता है बिना कारण भी प्रसन्न मन रहता है अच्छा सत्व अच्छा ये ये है ये Now, सत्व बहुत रज, कछु, रति, अच्छा, अब, अब ये क्या है नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्या है त्रेता त्रेता में सत्युग बहुत सत्व बहुत होता है सत्व गुण बहुत होता है रज कछु थोड़ा थोड़ा रजस होता है हाँ रजस में लोगों का मन होता है कछु रति विद सुख त्रेता कर धर्म तो त्रेता में ये कॉम्बिनेशन होता है क्या बहुत सारा सत्व और थोड़ा सा रजस बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस और फिर क्या होता है द्वापर धर्म द्वापर में क्या होता है बहु रज रजस बहुत होता है द्वापर में आपने देखा तो महाभारत जब हुई थी कृष्ण जी का जन्म तो बहुत ज्यादा रजस फाइटिंग फॉर द थ्रोन फाइटिंग फॉर किंगडम्स फाइटिंग फॉर राइट किलिंग पीपल, पीपलिंग ऑल दिस सो बहु रज और स्वल्प सत्व स्वल्प मीन्स थोड़ा सा थोड़ा सा सत्व भी है और कछु तामस, थोड़ा थोड़ा सा तामस भी है द्वापर धर्म हर्ष भयमानस तो द्वापर में क्या होता है दोनों चीजें होती हैं आपके मन में भय भी होता है और हर्ष भी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ भय एंड हर्ष ये होता है द्वापर में अच्छा और फिर क्या होता है द्वापर के बाद कलयुग तो कलयुग में क्या होता है तामस बहुत रजोगुण थोड़ा तो अब आजकल कलयुग चल रहा है तो कलयुग में क्या होता है बहुत ज्यादा तमस लोग आलसी होते हैं मेहनत नहीं करते बातें ज्यादा करते हैं शरीर से पुरुषार्थ नहीं करते तामस बहुत रजोगुण थोड़ा रजोगुण भी होता है थोड़ा कल प्रभाव विरोध चौरा कलयुग में क्या होता है सब तरफ प्रोटेस्ट होते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना <laughs> जितने प्रोटेस्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया में तो भी फार्मर्स का हुआ था पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट तो चलता ही रहता है है हाँ ना नहीं तो मीडिया हाउस बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध करता ही है पार्लियामेंट में तो विरोध सड़कों पे तो विरोध जलूसों में तो विरोध जंतर मंतर पे तो विरोध ये तो होता ही है पर अपार्ट फ्रॉम दिस आप पूरी दुनिया में देख लीजिए हर कंट्री में विरोध चलता है ऑपोजि ऑपोजिशन होता है जलूस निकलते हैं प्रोटेस्ट होते हैं चाहे कैंडल लाइट प्रोटेस्ट ही हो लेकिन होता है हाँ, तो ये देखिए कल प्रभाव विरोध ओरा चहु ओरा चहु में हर तरफ बुद्ध जुग धर्म जान मन लर्नेड एंड वाइज उनको कहते हैं बुध तो बुद्ध जुग धर्म जान मन माह तज अधर्म रत धर्म कराए तो जो इंटेलिजेंट एजुकेटेड और बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि ये तो युग धर्म है ये ऐसे ही चलेगा आपको उसमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है आप कुछ भी कर लें, ये धर्म चलेगा मतलब विरोध होंगे ही होंगे तमस हो गई, होगा ये कलयुग है तो बुद्ध धर्म जाने मन माही अपने मन में ये विचार करके कि ये तो युग धर्म है तो ऐसे ही चलेगा तज अध धर्म कराही तो वो अपने पुरुषार्थ से क्या करते हैं कि वो अधर्म को छोड़ के और धर्म में मन लगाते हैं तो यदि हम थोड़ी बुद्धि रखते हैं तो हम लोग अपने आप से पुरुषार्थ से अधर्म को त्यागे और धर्म की तरफ बढ़ें तो धर्म कराही काल धर्म नहीं ही रघुपति चरण प्रीत अति जिसको भी श्री राम के चरणों में प्रीत होगी उसको कलयुग के धर्म नहीं व्यापेंगे काल धर्म काल धर्म में युग धर्म जो भी युग धर्म है उस समय का वो आप आपको असर नहीं करेगा आपको व्यापेगा नहीं तो दुनिया में चाहे होता रहेगा लेकिन यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट है ना तो आप अगर रघुपति चरण में प्रीत रखते हैं तो आप उससे बच जाते हैं और उपमा क्या देते हैं वो ये देखिए नट कृत विकट कपट खगराया नट से वकिन व्यापय माया नट तो आप लोगों ने देखा होगा शायद हाँ इंडिया में नट होते हैं ये होते हैं लाइक यू कैन कॉल देम स्ट्रीट मैजिशियंस मैजिशियंस स्ट्रीट तो वो कुछ तो जिमनास्टिक्स करते हैं कुछ नाच गाना करते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज उसको नट कहते हैं उनके साथ में एक असिस्टेंट रहा करता है जो जम्बूरा कहलाता है नट और उसका जम्बूरा तो जो नट <coughs> जादूगर के खेल दिखाता है वो उसके समझता है उन खेलों को तो इसलिए उसको उसकी माया नहीं व्यापती लेकिन जो देखने वाले उनको लगता है वो हो वेन यू वॉच अ मैजिक शो आपने देखा होगा ना आप कैसे ओहो ये कैसे हुआ यू नो योर माउथ ड्रॉप्स ओपन यू कि ओहो ऐसे कैसे हुआ तो जो नट है उसके जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्याप्ती तो देखो नट कृत नट की करी हुई विकट खब कपट खगराया वो जो भी मैजिक दिखाता है जो दिखता है पर होता नहीं नट सेवक ही न व्यापी माया तो नट का जो सेवक होता है जंबूरा उसको वो माया नहीं व्याप्ती तो यदि आप राम जी की शरण में जाते हैं तो राम जी की माया आपके ऊपर असर नहीं करती हरि माया कृत दोष गुना बिनु हरि भजन न राम राम काम सब मन जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम देखिए हरि माया कृत दोष गुण दोष और गुण दोनों माया के गुण हैं तो वो जो है वो बहुत माया के गुण बहुत प्रधानता लिए हुए होते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन वो किसको नहीं व्याप्ते वो बिनो हरि भजन न जाए जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे उनकी शरण में नहीं बैठेंगे आपको वो गुण व्याप्त होंगे और उन गुणों से आप दुखी भी होंगे भजिय राम तज काम सब तो सारे डिजायर्स को छोड़ के काम मीन इच्छाएं सारी इच्छाओं को छोड़ के राम जी की शरण में जाके उनका भजन करिए अस विचार मन माहे तो आप ये सोच लीजिए मन में कि बिना हरि भजन के माया नहीं जाएगी आपको माया नहीं छोड़ेगी और बहुत ही वो विकल करेगी आपको परेशान करेगी तेह कल काल बरस बहु बसे अवध बिहगेस अब देखिए कलयुग का वर्णन तो समाप्त हुआ और कलयुग का वर्णन यहाँ समाप्त होता है उसके बाद काकुशुन जी कहते हैं उनसे प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखिए उनको प्रश्न पूछा गया था कि आपको ये काक देव कौए की देव कैसे मिली तो उसी के जवाब में ये सारा है तो वी हैल काल बरस बहु बसे अवध बेह तो कहते हैं हे गरुड़ जी सुनिए कि कल काल में मैं बहुत साल तक अवध में रहा अवध इज टूडेज तो अयोध्या वहाँ पे रहने का ही बहुत बड़ा प्रताप है देखिए जगह का प्रताप होता है जगह की वाइब्स होती हैं। ये मैं कई बार पहले भी समझा चुकी हूँ आप मंदिर में जाइए या किसी भी वर्शिप के स्थल में जाइए पूजा के स्थल में जाइए चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो चर्च हो मंदिर हो तो वहां पे आपको एकदम आपका मन शांति प्राप्त करता है ठीक ना क्योंकि वहां की वाइब्स ऐसी हो जाती हैं हर कोई आके वहां पर प्रणाम करता है और उस ईश्वर को याद करके और नीचे झुकता है तो आपका मन शुद्ध होता है वहां जाके तो वो कहते हैं कि मैं अयोध्या में कई साल तक रहा परेव दुकाल विपत्ति बस तब में गय विदेश तो कहने लगे मैं वहां रहता था कई साल तक तो उसी से वो ब्लेस्ड हो गए हुं? और वो कहते हैं कि फिर पढ़े दुकाल दुकाल देखिये एक, एक तो अकाल होता है अकाल में जब बारिश नहीं होती और खेती नहीं पैदा होती दुकाल में जब दो साल तक कंटिन्यूसली अकाल पड़ता है उसको दुकाल कहते हैं जैसे दो काल तक दो वर्षों तक बारिश ना हो और जमीन बंजर पड़ी रहे उसको दुकाल कहते हैं तो दुकाल में तो बिल्कुल ही अन्न समाप्त हो जाता है और लोग भूखे मरने लगते हैं तो यहां वो कहते हैं परे दुकाल वहां पर दुकाल पड़ा तो विपत्ति बस तब में गय विदेश तो ये वहां से अयोध्या को छोड़ के और कहीं गए कहा गए अब आगे पढ़ते हैं <coughs> गय उजेन गयौ उजेनी सुन उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारि गये काल कछु सम्पत् पाई, तह करौ संभु शिवकायि विप्र एक वैदिक शिव पूजा कर सदा काज काजन दूजा परम साधु परमारथ बिन्दक सम्भु उपासक नहि निन्दक ही कपट समेता दुज दयाल दुज दयाल अति नीत निकेता बाहिज नम्र देख मुह साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई शंभु दीना शुभ उपदे बिद बिद कीना जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाय हृदय दम्ब अहमित अधिकाई मैं खल मल संकुल मती नीच जाति बस मोह हर जन द्विज देखे जरो करो विष्णु कर ध्रो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखे आचरण मम मोहे अति अतिक्रोध दम्बि नीति के भावई ओम सियावर रामचंद्र की जय चाहिए गय उजैनी ये उज्जैन गए उज्जैन तो आप सब जानते हैं ना उज्जैनी हाँ तो गय उजैनी अवन्त, तो सुन उर्गारी उर्गारी उगारी हे हे गरुड़ जी सुनिए दीन मलिन दरिद दुखारी और मेरी हालत क्या थी मैं दीन था मलिन मैले वस्त्र पहने हुए और गंदा विचारों का भी गंदा और दरिद्र था हा? कुछ पैसा नहीं था मेरे पास और दुखी था तो ये सारी चीजें मेरे थी हाँ मलिन उदास दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाए तो वहां पर मैं कुछ टाइम रहा तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए थोड़ी सी संपत्ति मेरे पास आ गई तह पुण्य करो संभु संभु से तो ये शिव भक्त तो थे अवध में भी ये शिव जी की पूजा करते थे क्योंकि यहां शब्द आया है पुनी पुनी पुनि के पहले भी करते थे अब दोबारा करने लग गए अच्छा विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काज दूजा तो मुझे एक विप्र मिले हा? एक विप्र मिले मुझे और वो क्या थे वो वैदिक शिव पूजा करते थे देखिए तीन तरह की पूजा होती है एक तो वैदिक पूजा होती है एक पौराणिक ढंग से पूजा होती है और एक तांत्रिक पूजा होती है ये तीन तरह की पूजा है, मानी गई हैं तो ये वैदिक पूजा होती है जो ज्यादातर मंत्र उच्चारण से होती है और हवन से होती है मंत्र उच्चारण और हवन ये दो चीजें वैदिक पूजा में आती हैं और फिर दूसरी है पौराणिक तो पौराणिक पूजा में बहुत साला, सारा सारा रिचुअलिज्म होता है उसमें भोग और फूल चढ़ाना अगरबत्ती और भगवान को दुनिया भर की चीजें अर्पित आप करते हैं गंगाजल जल पंचामृत ये वो आपने देखा है ना जो पौराणिक पूजा करते हैं वो कहाँ से कहा तो तो होगा, जी, क्या? वो होगा जी, क्या? फिर आप भागे भागे फिरते हैं कभी वो कुछ मांगते हैं कभी ओ जी, तुलसी पत्र तो आपने रखा ही नहीं फिर आप तुलसी लेने भागते हैं तो लाइक दैट हम्म आजकल वैसे पंडित बहुत होशियार हो गए वो क्या करते हैं वो पूरी लिस्ट आपको वॉट्सएप पे भेज देते हैं तो आप वो लिस्ट लेके पहले से रख लेते हैं एक आ, अटैची में वो लेके आप बैठ जाइए पूजा में फिर आपको उठने की जरूरत नहीं तो ये देखिए ये क्या कहते हैं कि विप्र एक वै, ये वैदिक शिव जी की पूजा करते थे अच्छा और क्या करें सदा ते काज न दूजा और, और कोई चीज करते नहीं थे हर वक्त वो शिव जी की पूजा करते थे तो ये देखिए उनके कर्म की शुद्धता बताई है ये जो विप्र थे उनके कर्म की शुद्धता बताई है कि वो हर वक्त पूजा ही करते थे सदा, इज सदा परम साधु बिंदक और वो बहुत बड़े साधु थे परम साधु थे साधु का अर्थ तो बहुत गहरा है बहुत गहन अर्थ होता है साधु का लेकिन सिर्फ आपको ये बता दूं कि साधु सिर्फ ड्रेस से नहीं होता साधु होता है पुरुष वो जिसमें सत्व प्रधान होता है विचारों की शुद्धता होती है वाणी की शुद्धता होती है शरीर की शुद्धता होती है और वो अपने मन वाणी या शरीर से कोई भी अनुचित काम नहीं कर सकता उसको साधु कहते हैं और साधु वो होता है जो दूसरों की भलाई में हर समय उसका मन बुद्धि और वचन दूसरों की भलाई में केंद्रित होता है वो यही सोचता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर दूं उसको साधु कहते हैं तो यहां पर परम साधु थे ये बहुत बड़े साधु थे परमारथ बिंदक परम परम अर्थ मीन ईश्वर या जो ब्रह्म है उसको जानने वाले ब्रह्म के ज्ञाता परमारथ बिंदक उसके ज्ञाता थे संभ उपासक नहीं हरिनिंदक तो वो शिवजी की उपासना करते थे हुँ? शिवजी की पूजा करते थे पर हरिनिंदक नहीं थे शिव जी तो हर हैं और हरि विष्णु जी हैं तो विष्णु जी की निंदा नहीं करते थे कई लोग आ, मैंने देखे साउथ इंडिया में स्पेशली विष्णु भक्त हैं तो शिव जी की निंदा करते हैं शिव भक्त हैं तो विष्णु जी की निंदा करते विच इज वेरी सिली वो शिव जी और विष्णु जी जो ब्रह्म स्वरूप है उसकी ही दो अवतार हैं तो और आप ये देखिए कि शिवजी विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु शिवजी की पूजा करते हैं तो उसमें आप कहाँ आते हैं आप कौन होते हैं किसकी निंदा करने वाले तो <coughs> संबो उपासक नहीं हरि निंदक तो देखिए ये तो बहुत बड़े साधु थे तो इनकी वाणी की शुद्धता तो थी ही निंदा करता है अगर कोई किसी की भी कहीं भी तो वो निंदा आपकी वाणी को अशुद्ध करती है तो अगर कोई सच में साधु व्यक्ति है तो वो न निंदा सुनते हैं न करते हैं ये एक साधु का लक्षण होता है तेह सेवाओं में कपट समेता और ये देखिए भूषण जी कितना ऑनेस्ट अपना वर्णन कर रहे हैं पुराना और कह रहे हैं कि मैं उनकी सेवा तो करता था लेकिन कपट के साथ करता था कपट क्या होता है कि मन में कुछ और, और बाहर कुछ और उसको कपट कहते हैं। <coughs> तो ये क्या करते थे शरीर से से और वचन से तो उनकी सेवा कर, like उनका उनका जो कुछ भी गुरु चेले का संपर्क होता है तो चेला जो भी गुरु की सेवा करता है वो वो सब करते थे और पर वो करते थे कपट के साथ कपट के साथ क्या कि वो सोचते थे ये मुझे ज्ञान सिखा दें किसी तरह तो ज्ञान सिखा दें तो मुझे बड़ाई मिलेगी मुझे मान मिलेगा क्योंकि मैं भी प्रवचन करूंगा हम्म और फिर भिक्षा का अन्न मिलेगा कुछ थोड़ा रुपया पैसा भी इकट्ठा कर लूंगा तो उनका उद्देश्य कुछ और था इसलिए वो सेवा करते थे गुरु की इसलिए नहीं करते थे कि उनके मन में उनके प्रति पूजा का भाव था इसलिए वो करते थे ऐसा नहीं था तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं कपट समेत उनकी सेवा करता था और द्विज दयाल अति नीति निकेता और ये जो द्विज थे ये जो ब्राह्मण थे ये बहुत ही दयालु थे और नीति 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 के घर थे अति बहुत नीती जानते थे और नीति के घर थे मतलब टू नीति मीन्स टू डू द राइट थिंग वो जो भी सही चीज होती थी उसी को करते थे बाहे जो नम्र देख मोय साई विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई तो ये जो विप्र हैं बेचारे ये देखते थे बाहर बाहर का बिहेवियर वो देखते थे उनके बाहर का आचरण देखते थे कि ये तो से से तो देखिए विप्र पढ़ा वो पुत्र की नहीं अपने खुद के बेटे की तरह से जानकर उनको वो बड़े प्रेम सहित पढ़ाते थे संभु मंत्र मोहित द्विजवर दीना तो उन्होंने मुझे शंभु मंत्र दिया हाँ शिव जी का मंत्र दिया शुभ उपदेश विविध विद की ना तो उन्होंने मुझको क्या शुभ उपदेश दिया क्या शुभ उपदेश दिया विविध दीना कई तरह का दिया विविध विविध विधि बहुत प्रकार का उन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया जप मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमित अधिकाई ये देखिए और ये देखिए संतों की महिमा गभूषण जी भी बहुत बड़े संत बने हैं तो ये देखिए वो अपनी खुद की जो बुराइयां थी उनका बखान खुद कर रहे हैं हा? उनकी विनम्रता देखिए जपाऊं मंत्र शिव मंदिर जाई तो मैं क्या करता था घर में नहीं जपता था मंत्र शिव जी के मंदिर में बैठ के जपता था जिससे आने जाने वाले लोग सब देखें कि देखो कितना बड़ा ये है रोज आता है रोज शिवजी की पूजा करता है रोज मंदिर कहते हैं कि साधना छुपा के करनी चाहिए साधना को दर्शाना नहीं चाहिए tarael... तो ये क्या करते थे कि ये जाके वहां मंदिर में बैठ के करते थे जिससे सब आने जाने वाले मंदिर में रोज देखे कि हो ये तो बहुत बड़ा शिव भक्त है देखो क्या पूजा कर रहे हैं हृदय और खुद क्या कहने हृदय दम्भ अहम दिखाई तो बहुत मेरे हृदय में दम्भ था और अहमित अधिकाई मतलब बिल्कुल हद दर्जे की अहंकार बिल्कुल टॉप नॉच अहंकार था मेरे मन में खुद कह रहे हैं हुँ? मैं खल मल संकुल मती नीच जाती बस मोह तो मैं कैसा था मैं दुष्ट था और आ, क्या था पापमयी मलिन था हा? और संकुल मती आ, आ, क्या कहते हैं अशुद्ध बुद्धि वाला संकुल मति में अशुद्ध बुद्धि थी मेरी मति इस बुद्धि और नीच जाति बस मोह नीच जाति में दुष्ट आचरण वाला जाति का मतलब है देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि लोगों का विभाजन मैंने करा है टाइप्स ऑफ पीपल देर आर टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ पीपल तो चार उन्होंने बड़े मोटे मोटे विभाजन करे हैं और मोटे मोटे विभाजन करे किस बेसिस पे है गुण कर्म विभाजित उन्होंने खुद कहा है कि मैंने ये वर्ण बनाए हैं गुण कर्म पे बेस्ड तो जैसे आपके गुण हैं और जैसे आपके कर्म हैं आप वो हैं तो यहां पर क्या है जब वो नीति जाति कहते हैं तो उनका मतलब है कि मैं दुष्ट आचरण वाला था दुष्ट विचारों वाला था मलिन बुद्धि वाला था हम और मोह के वश था बस मोह मेरे मन में इतना मोह था अपने लिए तो मोह के वश जन द्विज देखे जरो करो विष्णु कर द्रोह अब ये देखो ये करते क्या थे विष्णु भगवान की पूजा करने जो कोई भी वहां मंदिर में आता था मंदिर में बैठ के करते थे ना जब तो जन द्विज देखो जरो तो जब भी मैं किसी द्विजों को देखता था जो विष्णु भगवान की पूजा करने आते थे तो क्या होता था मैं जलता था देखो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर जलन होती थी कि ये शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते ये विष्णु जी की पूजा क्यों करते हैं कर विष्णु कर द्रोह और मैं विष्णु भगवान से द्रोह करता था देखिए बुद्धि देखिए कहाँ थी शिव जी की पूजा करते थे विष्णु जी से द्रोह करते थे अच्छा गुर नित मोए प्रबोध लेकिन गुरु जी ने तो ये देखा तो वो रोज उनको प्रबोध करते थे रोज उनको समझाते थे बताते थे लेकिन देखिए जब क्या होता है जब किसी की बुद्धि खराब होती है ना उसको आप कितना भी समझा लीजिए वो नहीं समझता है नहीं समझता है अड़ियल हो जाती है बुद्धि तो यहाँ पर ये क्या है गुर नित मोए प्रबोध रोज समझाते थे नित दुखित देख आचरण मम तो वो मेरा आचरण देखते थे कि मैं विष्णु जी से विरोध करता हूँ विष्णु भक्तों से विरोध करता हूं तो वो मुझे रोज समझाते थे लेकिन क्या मोह उपजयोधी नीति की भाव भाई तो मैं इतना ज्यादा अहंकार वाला था कि मुझे नीति तो समझ में आती ही नहीं थी तो क्या होता था कि जब कोई मुझे समझाता था तो मुझे गुस्सा आता था तो क्रोध से मोह उपजय अतिक्रोध तो जब गुरुजी मुझे समझाते थे आप सोचो ऐसा शिष्य गुरु उसको समझा रहे हैं सही बात और उसको समझने के बजाय उसको क्रोध आ रहा है अगर ऐसा होता है किसी के संग तो आप समझिए कि बुद्धि भ्रष्ट है, है बुद्धि जो है वो आ, मलिन है आपकी बुद्धि तो मुहे उपजय अतिक्रोध दम्भी नीति के भावे तो जो अहंकार वाला पुरुष होता है उसको समझाना बेकार होता है क्योंकि वो कभी नहीं समझेगा अपने अहंकार और अपने अहंकार अर्जित विचारों से वो उसके अलावा कुछ मानेगा ही नहीं आगे पढ़ते हैं एक बार गुरली न बुलाई मोहिनी ते बहु बहुभा सिखाई शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगत राम पद ता नर पेतिक बाता जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसी अभागी हर कहूँ हर सेवक गुर कहेउ सुन खगनाथ हृदय मम दहेउ अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा अहि दूध पियाए मानी कुटिल कु भाग्य कु जाति गुरु कर करो दिन राति अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा जेहि नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम हे हतिता हे नसावा धूम अनल संभव सुन भाई तेह बुझाव घन पद वी पाई रज मग परी निरादर रही सब कर पद प्रहार नित सहई मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई पुनि नृप नयन किरीटन परग पति अस समुझ प्रसंगा बुध नहीं करही कर अधम कर संगा कभी को बिद गावही अस नीति खल सन कलहन भल नहीं प्रीति उदासीन नित रही घुसाई

राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सो दयाल नहीं कहे उर न रोष लवलेस अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अच्छा ये थोड़ी लंबी है छोपाइया इधर है राम तात सिव धाता। तो उनके गुरु जी है उनके गुरुजी क्या समझाते हैं कि राम जी को भजते हैं हे तात शिवजी और ब्रह्मा जी धाता ब्रह्मा जी तो शिवजी और ब्रह्मा जी दोनों राम जी को भजते हैं नर पावन के केतिक बाता तो मनुष्यों को क्यों नहीं भजना चाहिए मनुष्यों को भी उन दोनों को ही भजना चाहिए जासु चरण अज शिव अनुरागी जो ये जो है के भ्रह्मा जी, भ्रह्मा जी, मींस और शिव दोनों अनुरागी हैं दोनों प्रेम करते हैं राम जी के चरणों से तासु द्रोह सुख चह से अभागी और तुम उनसे द्रोह करके सुख चाहते हो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा तुम अभागी हो यानी तुम्हारा भाग्य नहीं तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं हर कहूं हर सेवक गुरु कहे हूं। तो ये देखो वो कहते हैं गुरु जी कहते हैं हर कहूं हर सेवक गुर कहूं और इनको क्या लगता है कि ओ हो शिवजी को इन्होंने विष्णु जी का सेवक कह दिया बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी मेरे इष्ट की क्योंकि इनके इष्ट कौन थे शिव जी और गुरु जी ने क्या कहा कि शिव जी तो राम जी की पूजा करते हैं राम जी के सेवक हैं तो इनको लगा कि इन्होंने शिव जी की इंसल्ट कर दी नाउ यू जस्ट सी दिस है कि कैसा हमारा मन जो है वो एक जगह इतना गूढ़ता के साथ संकीर्णता के साथ केंद्रित हो जाता है कि हमको दूसरी बात समझ में नहीं आती ये हम सबके संग होती है इस तरह की बातें कि जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल फंस जाता है वो फिर आप किसी की एडवाइस सुनते नहीं तो यहाँ पे देखिए हर कहो हर सेवक गुर कहे कह गुरे ओहो मेरे गुरु जी ने शिव जी को सेवक बना दिया सुन खगनाथ हृदय मम दहे ओ तो हे जरूर जी सुनिए मेरे तो हृदय में जलन शुरू हो गई हम्म मेरा हृदय जो है वो बहुत बुरा तमस यू नो तमस में मेरा हृदय भर जाता था अधम जाति में विद्या पाए अधम जाति मतलब कि मैं ऐसा था वो खुद ही कह चुके हैं ना अपने आप को कि मैं मेरी बुद्धि मलिन थी मैं दरिद्र था मैं कपटी था कुटिल था तो ऐसा इंसान अपने आप को अधम जाति का ही बताएगा नीची जाति नीची जाति जाति में क्लासिफिकेशन ही वो अपने आप की एक श्रेणी बता रहे हैं कि मैं इस श्रेणी का इंसान था नीच श्रेणी का कि मैं विद्या पाके कैसा हुआ जी दूध देखिए पिया सर्प सांप जो होता है सांप के बच्चे को अगर आप दूध पिलाते जाएं तो वो बड़ा तो होता है और ऐसा कहते हैं कि दूध पीने से सांप का जहर तेज हो जाता है उसका जहर और जहरीला हो जाता है ऐसा कहा जाता है तो जब उसका जहर और जहरीला हो जाता है एक तो यह असर होता है दूसरा सांप क्या करता है जब वो बड़ा हो जाता है तो जिसने उसको दूध पिलाया उसी को वो डस लेता है ऐसा कहा जाता है तो वो क्या कह रहे हैं कि गुरु जी ने तो मुझे विद्या पढ़ाई और मैं उन्हीं के अहित की बात सोचने लगा उन्हीं से मुझे जलन होने लग गई तो वो उपमा क्या दे रहे हैं भयो जथा अहे दूध पियाए तो जैसे सांप दूध पिलाने से उसका जहर तेज हो जाता है और वो दूध पिलाने वाले को ही दस दस लेता है दस लेता है वैसा ही मैं हो गया मानी कुटिल भाग्य को जाती अब ये देखो अपने आप को खुद कह रहे हैं ये प्लीज नोटिस कि ये अब की ह्यूमिलिटी है उनकी तब की नहीं तब वो कैसे थे मानी मानी में अभिमान बहुत ज्यादा था हाँ प्राइड बहुत ज्यादा थी अहम बहुत ज्यादा था कुटिल थे कुटिल जो दूसरे का बुरा सोचे और कुभाग्य जिसका भाग्य खराब हो हुँ? और कुजाति तो ये अच्छा भाग्य खराब क्यों है क्योंकि इनको शिवजी श्र, का श्राप अभी मिलने वाला है शिव जी जो इनके खुद ही इनके इष्ट थे वो नाराज हो गए कि शिवजी के इष्ट राम जी हैं और ये राम जी का ही आ, विरोध करता है ये कैसा मेरा शिष्य है कि राम जी का विरोध करता है जिनको मैं पूछता हूं तो वो उनको श्राप देने वाले हैं तो इसलिए अभी ही उनको उन्होंने अपने आप को कहा मानी कुटिल कहाभाग्य और कुजाती गुर कर द्रोह करो दिन है तो ये सब कारण वश मैं गुरु का द्रोह करता था और क्या थोड़ी देर के लिए नहीं दिन और रात सोचिए आप दिन और रात उनका मन में जलन होती थी अपने गुरु के ही अगेंस्ट आप सोचिए इससे बड़ा को क्या हो सकता है किसी इंसान का कि वो अपने गुरु के लिए ही जलता रहे और गुरु को मैं कैसे सबक सिखाऊं ये सोचता रहे अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा और उनके जो गुरु जी थे वो बहुत दयालु बहुत दयालु तो उनके मन में बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया उनके वो देखते थे ये उनका आचरण अपने शिष्य का लेकिन उनके मन में कोई क्रोध नहीं आया पुण्य पुण्य मोए सिखाव सुबोधा और गुरु जी ने उनको सिखाना नहीं छोड़ा बार बार सिखाते थे सी पुण्य पुण्य बार बार बेचारे गुरु जी उनको सिखाते थे हुँ? कई गुरु जो होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो कहते हैं मैं एक बार बताऊंगा एक बार से ज्यादा नहीं बताऊंगा देयर बाय एंश्योरिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट जब कोई टीचर ऐसे कहता है कि मैं एक ही बार समझाऊंगा समझ रहे हैं तो समझ लो तो स्टूडेंट बहुत अलर्ट हो जाता है वो एकदम ध्यान से सुनता है और ध्यान से समझता है कि अगर मैंने मिस कर दिया अगर मेरे से चूक हो गई तो ये तो दोबारा समझाएंगे नहीं फिर मुझे ज्ञान होगा कैसे पर ये गुरु देखो कितने दयावान कितने दयावान ऐसे शिष्य को भी वो बार बार सिखाते हैं रोज सिखाते हैं बार बार बोधित करते हैं जेहते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम देखो ये कागभूषण जी अपने लिए बोल रहे हैं कह रहे हैं कि जिससे भी कोई नीच बड़ाई पाता है ऊंचा उठता है वो सबसे पहले उसी का नाश करता है अगर वो नीच है तो वो सबसे पहले उसी का नाश करेगा जिससे उसको बड़ाई मिली जिससे वो ऊंचा उठा हम्म ऐसे बहुत लोग होते हैं ने? नाउ और एग्जाम्पल क्या देते हैं धूम अनल संभव सुन भाई ते बुझाव घन पदवी पाई आग जब जलती है उससे तो धुआं निकलता है ठीक है ना और धुआं आग से ही पैदा होता है बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना आप कहते हैं ना कि जहां धुआं है वहां आग जरूर है तो अगर धुआं है तो आग आप बोलते हैं ना तो धुएं धुआं आग से ही उठता है धूम अनल संभव उसी से वो पैदा होता है सुनो भाई घन पदवी पाई और जो धुआं है वो वेपर बनता है धीरे धीरे ऊपर उठ के आकाश में बादल बन जाता है और बादल बन के वो जब बरसता है तो सबसे पहले किसको बुझाता है अग्नि को तो अग्नि से पैदा होके और वो ऊंची पदवी पाके अग्नि को ही सबसे पहले खत्म करता है तो वो क्या है उसको दुष्ट की संज्ञा दी गई है और और क्या आगे रज मग परी निरादर रही। जो धूल है रज मीन्स धूल धूल जो है उसका सब लोग निरादर करते हैं जमीन में पड़ी रहती है सब कर पद प्रहार नित सहई और रोज प्रहार मतलब लोगों का चरण उसके ऊपर पड़ता है धूल के ऊपर उसका प्रहार धूल पे होता है लेकिन क्या मरुत उड़ाव प्रथम ते भरे और हवा जो है मरुत इज हवा तो हवा जब उड़ाती है बादल को आ, 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 क्या क्या ना, नाम धूल को आपको पता है ना जब आंधी आती है तो कौन उड़ा रहा है धूल हवा तो मरुत जो है जब हवा को उड़ाती है तो आ, हवा उड़ाती है धूल को तो वो सबसे पहले धूल क्या करती है हवा को ही भर देती है है या नहीं पूरी धूल हवा में छा जाती है और क्या होता है उसके बाद वो क्या करती है नृप नयन राजाओं के आँख में पड़ती है और और उनके मुकुट पे पड़ती है जाके क्रीट किरीट, किरीट इज मुकुट तो राजाओं के मुकुट और आंखों में जाकर धूल गिरती है तो आप ये देखिए उसको जो ऊंचाई देता है उसी को वो भर के और खत्म करती है सुन खग समुझ प्रसंगा बुध नहीं करें, अधम कर संगा ये देखिए बहुत बड़ी सीख है रामचरितमानस में कि इस बात को समझ के हे गरुड़ जी इस बात को समझ के जो बुद्धिमान लोग होते हैं बुद्ध बुद्ध मीन बुद्धिमान लर्नेड एजुकेटेड ह ऐसे जो लोग होते हैं समझदार लोग वो अधम का संग कभी नहीं करते जो नीच पुरुष है उसका संग नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि वो आप ही को नष्ट करेगा आप ही को उल्टी उल्टी बातें सिखाएगा आप ही का धर्म भ्रष्ट करेगा आपके विचारों को नीचता की ओर खींचेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो आप नीच का संग कभी कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि संगत का असर पड़ता ही पड़ता है अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा असर होगा और नीच की संगत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका विचार बदलेगी तो ये देखिए बुद्ध नहीं रहे अधम कर संगा कवि को विद गा वहीं असनीति खल सन कलह न भल सन नहीं प्रीति तो जो कवि यहाँ पर मीन्स द वाइज पीपल कवि का अर्थ में पहले भी बताया मैंने इट्स ओनली नॉट ओनली पोएट्स इट इज ग्रेट अकेडमि और कोविद कोविद का भी मतलब है नॉट द डिजीज कोविड डोंट मिस्टेक देर वॉज अ बॉय इन अमेरिका उसका माँ बाप ने उसका नाम कोविद रखा था यही कोविद कोविद मीनस अ वेरी ब्रिलियंट ब्राइट लर्निड पर्सन उसको कोविद कहते विद मीन्स नॉलेज एंड कोविद मीन्स विद नॉलेज हाँ? तो वो अपना नाम लिखता था बेचारा के से के ओ वी आई डी तो जब भी वो फोन आता था कोई कहता था कौन बोल रहा है वो कहता था मैं कोविड बोल रहा हूँ तो वो फोन जल्दी से रख देते थे कि भाई कोविड कोविड ये तो डिजीज है तो कभी कोविद गा वह अस क्या नीति खल सन कलह न भले नहीं प्रीति तो जो दुष्ट होता है खल मीन दुष्ट उसके संग न तो प्रेम करना चाहिए न उसके संग दुश्मनी करनी चाहिए ये नीति होनी चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए इनडिफर आपको उससे अलग रहना चाहिए जो दुष्ट होता है अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो भी वो आपको नष्ट करेगा अगर आप उससे दुश्मनी करेंगे तो भी वो आपको नष्ट करेगा तो तो करेगा ही तो जो दुष्ट होता है उसके संग न तो कलह करना चाहिए और न उसके साथ प्रीति करनी चाहिए क्योंकि उसमें बुद्धि बहुत कठोर होती है और वो कठोर बुद्धि से आपका नाश कर सकता है तो संगति नहीं करनी चाहिए दुष्ट की उदासीन रहना चाहिए देखिए उदासीन मीन इन डिफरेंट उदासीन नित रहिए गुसाई हमेशा नित मीन एवरी डे डोंट थिंक कि एक दिन तो उदासीन रहे दूसरे दिन उससे दोस्ती कर ली नो no. उदासीन नित रहिए गुसाई खल पर हरियव की नाई यहाँ ये जो वर्ड स्वान है स्वान मीन्स कुत्ता तो जैसे आप कुत्ते को दूर से छोड़ देते हैं दिस मीन्स स्ट्रीट डॉग्स जो ये स्ट्रेट डॉग्स होते हैं उसकी बात है ये पेट डॉग की बात नहीं है हम्म तो वो जो है कि जैसे उसको आप दूर से आप निकल जाते हैं कि ये कहीं काट ना ले पता नहीं रेबीड ना हो इसको कोई बीमारी ना हो तो मुझे लग जाएगी आप उसे रस्त कन्नी काट के जाते हैं ना रास्ता दूसरी तरफ से चले जाते हैं तो खल पर स्वान की नाई मतलब आप उसके आसपास भी मत जाइए दुष्ट के। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई और वो कहते हैं देखो मैं क्या था मैं तो खुद दुष्ट था सोच के देखो हाँ और फिर भी गुरु जी इसको कितना पढ़ाते थे प्यार से तो वो कहते हैं मैं खल हृदय कपट भी था और कुटिलाई गुरु हित कह नमोय सु गुरुजी मेरे ही भलाई के लिए कहते थे लेकिन मुझे सुहाता नहीं था देखिए अगर आपको गुरु की बात भी अच्छी नहीं लगती उनका सिखावा अच्छा नहीं लगता तो आप अपने मन में झांकिए क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है इसका यही अर्थ है कि आपके मन में कुटिलाई है आपके मन में कपट है या आपका मन अशुद्ध है तभी आपको गुरु की बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो गुरु जो कुछ भी कहेंगे आपसे आपकी भलाई के लिए कहेंगे एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम तो एक बार मैं शिवजी के मंदिर में बैठ के शिवजी का नाम जप रहा था गुरु आयो तो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम अब ये देखो क्योंकि इनको बहुत अहम हो गया था हाँ, गुरु के साथ उनको बहुत अहम हो गया था बराबरी करते थे गुरु के तो ये देखिए वो कहते हैं एक बार तो कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया कि एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम गुरु जी आए तो ने अभिमान क्योंकि अभिमान के कारण मैंने उठ के प्रणाम नहीं किया ये बहुत बड़ा दोष है सो दयाल नहीं कहे कछु रोष लवलेश उनके मन में बिल्कुल भी रोष नहीं आया बिल्कुल भी उनके मन में गुस्सा नहीं आया गुरु जी के क्योंकि बहुत दयालु थे और क्या अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश तो जो शिवजी थे वो ये ये बहुत बड़ा पाप है गुरु का अपमान करना बहुत बहुत बड़ा पाप होता है इनफैक्ट कहते हैं कि गुरु की कोई बुराई भी कर रहा हो तो सुनना नहीं चाहिए श्रवण भी नहीं करना चाहिए तो वहां से हट जाना चाहिए तो आप वो ये कहते हैं अति अघ गुरु अपमान अति अघ अति अग मीन बहुत बड़ा पाप है ये कि गुरु का अपमान करना सही नहीं सके महेश तो जो शिव जी थे वो उस बात को सहन नहीं कर सके और शिवजी की ही ये पूजा करता था लेकिन शिवजी ही नाराज हो गए ये देख के कि इसने अपने गुरु का अपमान करा क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप है और शिव उसको सह नहीं पाए हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं अगले बार यहाँ इससे शुरू करें ओम पूर्ण पूर्णमिदं मूर्ण पूर्ण मदच पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओ श्रीगुरभ्यो नमः हरियो <स्थाथ>